हेलो एवरीवन यहां दिया हुआ है ए टू दावर नाइन प्लस ए टू दावर सिक्स इक्वल टू थर्टी सिक्स देन वी ए यहाँ सबसे पहले जो गिवेन हम उसको लिखते हैं ए टू दावर नाइन प्लस ए टू दावर सिक्स इक्वल टू थर्टी सिक्स और ए टू दावर नाइन को हम लिख सकते हैं ए क्यूब टू दावर थ्री प्लस ए क्यूब टू दावर टू ऐसा इसलिए कारण ए टू दी पावर एम टू पावर एन इक्वल टू ए टू दावर होता है इक्वल टू थर्टी अब हम यहां पर लेट कर लेते हैं लेट ए क्यूब इक्वल टू वाई देन दिस इक्वेशन वन बिकम्स वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स और वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स को हम लिख सकते हैं ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन और वाई क्यू माइनस ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए हैं प्लस वाई स्क्वायर माइनस नाइन नाइन को भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए हैं तो यहां पर आकर ये निगेटिव हो गया इक्वल टू जीरो और वाई क्यू माइनस यहां देखे ट्वेंटी सेवन को अगर हम फैक्टराइज करते हैं थ्री नाइन 27 ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री यानी थ्री क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर इक्वल टू जीरो अब एक फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और दूसरा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहां हम इसी दो फॉर्मूले का यूज करते हैं सबसे पहले ए क्यू माइनस बी क्यू तो हम लिख सकते हैं और वाई माइनस थ्री ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तब ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस थ्री स्क्वायर थ्री थ्री जा नाइन प्लस अब यहां देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करेंगे ए प्लस बी वाई प्लस थ्री इंटू ए माइनस बी अब देखिए यहाँ टू टर्म्स है फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों में वाई माइनस थ्री कॉमन है तब हम यहां पर वाई माइनस थ्री कॉमन ले लेते हैं और जब वाई माइनस थ्री कॉमन ले लेते हैं तब बचा क्या वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस नाइन प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर थ्री वाई प्लस वाई फोर वाई प्लस फोर वाई प्लस नाइन प्लस थ्री इक्वल टू प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो डेट इज आइदर वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो थ्री इक्वल टू इक्वल टू थ्री और वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो हम श्री धराचार्ज फॉर्मूला से आसानी से सोल्व कर सकते हैं लेकिन श्रीधरा चार्ज फार्मूला से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेरिजन कर लेते हैं जब कंपेरिजन करते हैं तो इक्वल टू वन बी इक्वल टू फोर एंड सी इक्वल टू ट्वेल्व अब ट्रीधरा चार्ज फॉर्मूला जो कि वाई इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए है इसका यूज करते हैं इसलिए बी ए एंड सी का वैल्यू पुट करते हैं बाई इक्वल टू हो गया माइनस फोर प्लस माइनस बी स्क्वायर फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू टू इंटू वन इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूड फोर फोर जा सिक्सटीन माइनस फोर इंटू वन फोर फोर ट्वेल्व जा फोर्टी एट बाय टू इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट सिक्सटीन माइनस फोर्टी एट माइनस थर्टी टू बाय टू यहां देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट यहां निगेटिव आ गया है इसलिए इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे और जब इस वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे तो वाई का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगा y इक्वल टू थ्री जो कि यहां आया है y को हम लोगों ने एक और एक नाउ टेकिंग क्यूब रूट टू बोथ साइड ए क्यूब क्यूबिक रूट इक्वल टू थ्री क्यूबिक रूट यहां क्यूब एंड क्यूब रूट दोनों कैंसिल हो गया बचा क्या देर फोर ए इक्वल टू क्यूबिक रूट थ्री इस तरह से यहां ए का सिर्फ और सिर्फ वन वैल्यू है और ए इक्वल टू थ्री अंडर रूट थ्री अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें थैंक यू